वैशाली महुआ प्रखंड के अंतर्गत पंचायत राज ताजपुर बुजुर्ग के मुखिया प्रत्याशी के पति समाज सेवी राजदेव पासवान ने जनसंपर्क के दौरान मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बताया कि अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो मैं अपने पंचायत में शिक्षा स्वास्थ्य सबको मान सबको सम्मान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान पे मुख्य फोकस होगा। वहीं उनके साथ चल रहे जनसमर्थन में बतलाया कि राजू पासवान की धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में आए हैं तो जनता की सेवा के लिए अगर ये चुनाव जीतती है तो क्षेत्र को एक आदर्श पंचायत बनाएंगे। राजदेव पासवान पूर्व से भी समाज सेवी है और आज भी समाज की सेवा में लगे हुए हैं। मन बटम दबा करके विजय बनाइए, हम आपका आभारी रहेंगे। क्या लगता है आपको इस बार? बिल्कुल हम लोग का चेमनी छाव राजदेव पासवान चाहिए, क्योंकि इंदिरा आवास में लगभग इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास 530 रिटर्न चला गया, 570 570 इस बार इधर हम लोग का सेवा करना है, सेवा का लाइक है, हम लोग दे रहे हैं। आपको भरोसा है कि सेवा करेंगे? जी जी, लक्ष्मण यादव टीम हम लोग चार से नहीं पूरा ये गौशाला हम लोग यहाँ। इस बार कैसा मुखिया चाहते हैं आप अपने पंचायत के लिए? मुखिया चाहते हैं जो विकास करें, वैसा चोर छोटा मुखिया नहीं चाहिए हमको। जो इंदिरा आवास आया, इंदिरा आवास अपने तीनों भाई ले लिया और ओकर जो चमचा दलाल था नसाद मियाँ सुलमान मियाँ के लड़का, ये सबके मिला घर और गरीबों के नहीं मिला। जो गरीब थे उनको नहीं मिला, गलत लोग को मिला। हाँ, गलत लोग के भी। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम सूरज पासवान, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है। ठीक ठीक, क्या लग रहा है आपको, कैसा मुखिया आपके पंचायत के लिए लाइक? बदलाव चाहिए सर। बदलाव होगी? हाँ, इस बार बदलाव होगी। पूरे बिहार में बदलाव चल रही है? हाँ, पूरे बिहार में भी चल रही है जनगणना के हिसाब से, और इस बार यहाँ बदलाव 100% प्रतिनिधि को चुनना। कैसा चाहते हैं आप, कैसा प्रतिनिधि? प्रतिनिधि चाहिए जो जनता के पक्ष में काम करे, गरीब के पक्ष में काम करे। लग रहा है आपको कोई है? हाँ है। क्या नाम है? उसका नाम है राजदेव पासवान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुहर कुमार पासवान। पंचायत? पंचायत ताजपुर बुजुर्ग।